भगवान श्री शनिदेव में आस्था रखने वाले प्रिय भक्तगणों, मैं आप सभी के अंदर वास करने वाले आत्मा रूपी ईश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। इस माध्यम से मैं आपके समक्ष नजर उतारने के लिए आपको विभिन्न शास्त्रों में वर्णित टोटकों का वर्णन एक एक करके करने जा रहा हूं। प्रिय भक्तगणों, शावर मंत्रों का बहुत ही महत्व कहा गया है हमारे समाज में। हमारे फक्कड़ टाइप के साधु संतों द्वारा इसका इस्तेमाल बहुतायत में किया गया है। इनमें से ही कुछ अजमाए हुए शावर मंत्र मैं समय समय पर आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहा हूं। इन्हीं साबर मंत्रों की श्रृंखला में मैं आपको आज नजर से संबंधित एक शावर मंत्र बताने जा रहा हूं, जिसका प्रयोग करने से आप सभी प्रकार के नजर दोषों से दूर हो जाते हैं। बस जरूरत है तो थोड़े से विश्वास और थोड़ी सी श्रद्धा की। ऐसा करने से आपकी नजर से संबंधित सभी पीड़ाएं शांत हो जाएंगी। आइए आप इस शावर मंत्र को कहीं नोट कर लें, ताकि समय आने पर आप निर्विघ्न रूप से सही उच्चारण के साथ इसका प्रयोग कर सके। गरुर चरणे दिया मन श्री हरि मोक्ष कारण देव दानव दैत्यानी लाई नसी वरा आसी सब उड़ाई आलाली पालाली चोटी चोटी हुंकारे फुंकारे उड़ाए माटी शलि के पांव देख टुकुरिया जाए अमुकार अंगे डाई नेर दृष्टि पलाय कार अच्छा वीर परसी आज्ञा। अगर नजर से पीड़ित किसी व्यक्ति के ऊपर आप इस मंत्र को 21 बार पढ़ते हुए उसे झाड़ा देंगे तो उसकी सभी प्रकार की नजर से संबंधित परेशानी अवश्य दूर हो जाएगी। ऐसा हमारे फक्कड़ साधु संतों का मानना है। ये विख्यात शावर मंत्रों की श्रृंखला में से एक विशेष मंत्र है, जिसका आपको उपयोग अपने लिए करना चाहिए, जिसका उपयोग आप जरूरत पड़ने पर अपने लिए कर सकते हैं। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे काफी लंबे समय बाद आपके लिए एक चमत्कारी मां महालक्ष्मी का दिव्य बाजूबंद लेकर प्रस्तुत हुआ। वो सभी भक्तगण जो धन की कमी से परेशान है, व्यापार में अर्थ अभाव के कारण फेल हो रहे हैं, या करना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर धन की व्यवस्था ना हो पाने के कारण कर नहीं पा रहे हैं, अपने निजी जीवन को चलाने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ऐसे सभी भक्तगणों के लिए मैं लेकर आया हूं दिव्य मां महालक्ष्मी का बाजूबंद। यह सब परम पिता परमात्मा की उस साधना के फल स्वरूप है जो मैं पिछले 32 वर्षों से उनके मंत्रों की, विभिन्न मंत्रों की साधना नित्य प्रति करता हूं। यह बाजूबंद जो विशेष रूप से आपकी राशि के अनुसार स्पेशली तैयार किया जाता है, कोई रेडीमेड स्टॉक नहीं होता इसका। जब आप बताएंगे अपनी राशि तो आपकी राशि के अनुसार, और या फिर अगर आप कहेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ उसके हिसाब से आपको तैयार करके भेजा जाता है। इस दिव्य बाजूबंद में जो रतन लगे हुए हैं, 9 रतन लगे हुए हैं, मगर ये अलग अलग रतन नहीं है, ये रतन है आपका अपना रतन, आपके भाग्य के रतन, और आपकी आमदनी में वृद्धि के लिए जो रतन है ये वो रतन है। आपकी जन्म पत्री के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार, या आपकी हॉरोस्कोप के अनुसार, या फिर इसके अंदर लगे हुए रतन आपकी जो, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आपकी जन्म राशि के अनुसार, आपकी नाम राशि के अनुसार, जो आपका बोलता हुआ नाम है, जिस नाम से संसार के लोग आपको जानते हैं, उस नाम की राशि के अनुसार इस
लक्ष्मी बाजूबंद को इस दिव्य महा मां महालक्ष्मी बाजूबंद को विशेष रूप से आपके लिए तैयार कराकर, जो कि इस प्रकार से आपने अपने बाजू में कपड़ों के अंदर धारण करना है और जरूरत पड़ने पर इसके अंदर जो सुराख किए हुए हैं यहां पर दोनों एज पर, इस सुराख के अंदर धागा बांधकर या जंजीर इत्यादि बांधकर आप इसे टाइट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और इसे कपड़ों के अंदर धारण किया जाता है। इस दिव्य महा महालक्ष्मी बाजूबंद को धारण करके धन और संपत्ति धीमे धीमे आपकी तरफ खिंचती हुई चली जाती है, आपके अर्थाभाव को दूर करती है, आपकी विभिन्न प्रकार की जो धन से संबंधित समस्याएं हैं, कर्जे की समस्या है, लोन की समस्या है, या घर परिवार को चलाने के लिए जो धन की कमी आ रही है, या मकान को खरीदने के लिए धन की कमी आ रही है, वाहन को खरीदने के लिए धन की कमी आ रही है, व्यापार को चलाने के लिए धन की कमी आ रही है, या घर में शादी विवाह को करने के लिए धन की कमी आ रही है, उन सभी धन से संबंधित परेशानियों में ये दिव्य मां महालक्ष्मी का जो बाजूबंद है अद्भुत फायदा प्रदान करता है, धीमे धीमे करके आपकी जिंदगी को आसान बना देता है। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ परम पिता में आस्था रखते हुए महा महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए इस बाजूबंद को अपने हाथ में धारण करेगा, तो निश्चित रूप से मां महालक्ष्मी उसके जीवन में धीमे धीमे करके धन धान्य के भंडार प्रदान करने लगेंगी, धीमे धीमे करके उसकी अर्थाभाव यानी धन की कमी दूर होती चली जाएगी और उसके जीवन में सुख शांति और ऐश्वर्य की निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। ये हमारे पिछले 32 वर्ष का जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का अनुभव है और हमारी मंत्र साधना है, जिसके आधार पर इसका प्रत्येक रतन हम मंत्र सिद्ध करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जागृत करते हैं, और क्योंकि ये विशेष रूप से आपकी राशि के अनुसार बनाया जाता है, आपकी जन्म की तारीख के अनुसार बनाया जाता है, तो आपके नाम की विशेष रूप से पूजा करके तैयार किया जाता है, और इसलिए इसे जब आप बोलेंगे बनाने के लिए तो उसे बनने से लेकर आपके पास पहुंचने तक 25 दिन का समय लगेगा, क्योंकि ये स्पेशली आपके लिए बनेगा। मेरे पास कोई भी रेडीमेड बाजूबंद जो मां महालक्ष्मी से संबंधित बाजूबंद है वो उपलब्ध नहीं है इस प्रकार का। तो जो भी भक्तगण इस मां महालक्ष्मी के दिव्य बाजूबंद को अपने लिए बनवाना चाहते हैं, तो या तो अपनी जन्म तारीख के अनुसार अपनी या फिर अपने नाम के अनुसार इसे बनवाकर घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसको प्राप्त करने वाले को इस बाजूबंद के साथ ही प्रभु साधना कैसे करें इसकी एक अद्भुत पुस्तक, जो मेरे स्वयं के द्वारा रचित है, जिन साधनाओं को मैं स्वयं करता हूं, मेरी 32 वर्ष की साधना है, उसका संपूर्ण जो हिस्सा है वो मैं आज आप सब लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये हमारे शनिपीठ मंदिर की ओर से निशुल्क आप सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाएगी। आप घर बैठे इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अभी इस दिव्य लक्ष्मी बाजूबंद के लिए थोड़ी सी अमाउंट यानी 20% इसका मूल्य अभी देकर शेष पैसा जब कोरियर वाला इसे लेकर आपके घर आएगा तब उसे दे सकते हैं, और घर बैठे ही चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आपको ये अद्भुत दिव्य मां महालक्ष्मी का बाजूबंद और साथ में हमारी तरफ से फ्री 100% निःशुल्क जो प्रभु साधना की पुस्तक है वह घर बैठे आप तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए हम वचनबद्ध हैं।
जय सीताराम जी, मैं यूएसए से अमिता शुक्ला बोल रही हूँ और मैं माता जी के संपर्क में आई करीब 5-6 महीने हो गए हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं बहुत परेशान थी, मेरे बच्चे सेटल नहीं थे। मेरा बड़ा बेटा जो मेडिकल स्कूल में जा रहा है, 3rd ईयर में है, और वो अपने एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पा रहा था, तो उसे बहुत स्ट्रगल हो रहा था। वो कई सालों से स्ट्रगल कर रहा था अपने एग्ज़ाम्स में, तो माता जी ने उसको बताया, उसकी जन्मपत्री देखी, उसको रिंग दी कि ये रिंग पहनो। तो अभी रिंग पहनने हुए अक्टूबर से रिंग पहनी है, शायद अक्टूबर या नवंबर से, तो यानी कि अभी 2-3 महीने ही हुए होंगे रिंग पहने हुए। और उसको, उसने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आया है, मतलब यहाँ पर 70% पासिंग नंबर होते हैं, तो प्रतीक के 85-99% एक सब्जेक्ट में तो 99 आया है, बाकी में 85-88 ऐसे उसके नंबर आए हैं। जैसा माता जी ने कहा था वैसे ही हो रहा है। तो फिर मैंने अपनी भी जन्म कुंडली दिखाई, सब तरफ से परेशान थी। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ससुराल वालों ने बिल्कुल ही हस्बैंड के जाने के बाद एकदम ही संबंध ख़त्म कर दिया, किसी तरह की कोई मदद नहीं, मेंटल सपोर्ट भी नहीं था कि फाइनेंशियल तो फॉरगेट अबाउट इट, मेंटल सपोर्ट भी नहीं था उन लोगों का। और मैं इतनी परेशान हो गई थी, सब तरफ इधर उधर मैं भटक भटक के सब पंडितों के पास जा जा के जन्मपत्री दिखा दिखा के परेशान थी। और मेरे लिए भी माता जी ने रिंग बना रही हैं और मुझे जो भी रेमेडीज पूजा पाठ बताई है वो भी मैं करती हूँ। फिर मैंने अपने छोटे बेटे की भी बनवाई, तो माता जी ने उसके छोटे बेटे के लिए भी रिंग बनवाई है। तो यानी कि मैं सब तरफ से परेशान थी कि हस्बैंड की डेथ को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, तो मैं पूरी तरह से संभल भी नहीं पाई थी। और उधर बच्चे की पढ़ाई का भी मुझे बहुत टेंशन था कि मेडिकल स्कूल का इतना खर्चा है, कैसे सब होगा। तो माता जी ने तो मुझे बहुत सहारा दिया है, मतलब मेंटल सपोर्ट भी दिया, पूजा पाठ भी उन्होंने बताया और रिंग वगैरह भी दी है। तो बस आप लोगों से मेरा एक यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग माता जी के संपर्क में रहिए और जो भी रेमेडीज या पूजा पाठ माता जी बताती हैं आप पूरे विश्वास से करो और ज़रूर फल देगा। माता जी के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से सारे काम पूरे होंगे। मैंने तो अब चिंता करना छोड़ दिया है, यहाँ तक कि मुझे रात में नींद नहीं आती थी, तो मैं तो अब आराम से सोती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि माता जी हैं तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग माता जी के संपर्क में रहिए और जो भी पूजा पाठ या रिंग वगैरह वो बताती हैं वो आप लोग करिए। मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली लड़की हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी पूजा पाठ का आंसर नहीं होती थी। 5-6 सालों से मैं बहुत परेशान थी, मेरा कोई काम नहीं बनता था। फिर माता जी ने मुझे जिस तरह से बताया कि बेटा इस तरह से तुम पूजा करो, और उन्होंने जो भी मुझे मंत्र दिया, जो भी मुझे पूजा पाठ बताई, फिर मैं वैसे ही करती हूँ एकदम। माता जी को अपनी गुरु माँ मानकर मैंने उनके जैसे वो बताती आँख बंद करके मैं कर लेती हूँ। मैं उनको कुछ भी नहीं पूछती कि माता जी इसको करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कहती हैं ऐसा करो, हम बस कहते हैं जी माँ गुरु माँ, और हम कर लेते हैं और मेरा वो सारा काम बनता ही चला गया। तो जब अगर मेरा काम इतनी जल्दी बन सकता है तो बाकी जो हमारी तरह लोग हैं जो परेशान हैं उनका भी काम जरूर बनेगा। बस यही है कि आप लोग भगवान में आस्था बनाए रखिए और माता जी के संपर्क में रहिए। जय सीताराम जी।